मेरा चैट जीपीटी को यूज करते हुए 7 महीने से ऊपर हो गया और मैं कुछ ऐसे हिडन फीचर के बारे में बात करूंगा, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, जिसको यूज करके आप अपना लाइफ को काफी ज्यादा सिंपल बना सकते हो। और ये कुछ ऐसे यूजफुल फीचर है जिसको यूज करके कोई भी काम आप इजिली कंप्लीट कर सकते हो, चाहे वो पोस्ट के रिलेटेड हो, आर्टिकल के रिलेटेड हो, इमेज अपलोड के रिलेटेड हो, या फिर कोई भी समरी या फिर एडवाइस के रिलेटेड हो, सब कुछ आप कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस एडवांस हिडन फीचर। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे चला जाना है और यहाँ आपको इंस्टॉल कर लेना है maxai.me, जो कि क्रोम एक्सटेंशन में है। सो पहला आप यूज कर सकते हो इसको आर्टिकल, पोस्ट या फिर समरी के रिलेटेड। चला जाना है चैट जीपीटी पे और यहाँ दूसरा ब्राउजर को ओपन करके यहाँ कोई भी आर्टिकल ओपन कर लेना है। यह है एक आर्टिकल जिसको अगर आप समराइज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर पाओगे। इसका लिंक को कॉपी कर लेना है और चला जाना है फिर से आपको चैट जीपीटी पे और यहाँ आपको कुछ लाइंस दे देना है, जैसे कि समराइज दिस आर्टिकल ओके फॉर मी, और उसके बाद वो लिंक को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप जेनरेट पे क्लिक करोगे तो ये जेनरेट करेगा आपका आर्टिकल का समरी। ओके, मोर अगर आप टाइप करते हो तो ये फिर से आपको ले कंप्लीट आर्टिकल जेनरेट कर देगा। ओके, जो भी आप लिंक पेस्ट किए हो उसमें क्या क्या आर्टिकल्स है, क्या लिखा हुआ है, सब कुछ वो जेनरेट कर सकता है। सो ऐसे करके आप कोई भी आर्टिकल के पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी पोस्ट या फिर पेजेस को अंडरस्टैंड या फिर रीड करने के लिए यूज कर सकते हो। सेकेंड, आप यूज कर सकते हो स्कैन एंड डिस्क्राइब इमेज विद चैट जीपीटी। तो सबसे पहले गूगल पे चला जाना है और यहाँ सर्च कर लेना है फिश स्केलेटन, और सर्च करने के बाद आप कोई भी स्केलेटन का जो आपको अच्छा लगे वो आप पिक कर लोगे। यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है ओके, कौन कौन सा पार्ट्स का क्या नेम है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसको ओपन करने के बाद ये इमेज पे चला गया और इमेज पे जाने के बाद इसको क्लिक करके ओपन विथ न्यू टैब कर देता हूँ, जिससे सिर्फ ये इमेज ओपन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीएनजी या फिर जेपीजी। ओके, तो ये देखिए आप इमेज का लिंक को मैं कॉपी कर लूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा अपना चैट जीपीटी पे। कॉपी कर लिया और यहाँ चला गया और यहाँ मैं टाइप कर दूंगा डिस्क्राइब इमेज फॉर मी। ओके, और फिर मैं लिंक को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ये क्या करेगा, आपका जो भी इमेज आपने पेस्ट किया है लिंक को, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके देगा। ओके, आपने बोला था डिस्क्राइब करने के लिए, तो ये आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करके दे रहा है कौन कौन सा पार्ट्स का क्या नेम है, वो सब कुछ एक्सप्लेन करके आपको डिटेल में दे देगा। ओके, सो इसको आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप कोई भी इमेज का लिंक को डाल सकते हो और उससे कोई भी डिस्क्रिप्शन या फिर टेक्स्ट जनरेट करा सकते हो। सेम ये मैं चला गया फिर विकिपीडिया पे और यहाँ ये इमेज को मैं ले लूंगा। ओके, पीएनजी फॉर्मेट में है तो इसका लिंक को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद फिर से चला जाना है चैट जीपीटी पे, डिस्क्राइब द इमेज फॉर मी। ओके, और लिंक को मैं पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देगा। ओके, वो इमेज में क्या क्या है सब कुछ अंडरस्टैंड करके कंप्लीट दे देगा आपको। ओके, जेनरेट कर देगा। सो इसने मेरे लिए जेनरेट कर दिया। अगर इसको मोर चाहिए तो आप एक्सप्लेन मी मोर टाइप कर दोगे, टाइप करने के बाद ये आपको एक्सप्लेन करके दे देगा। ओके, इन डिटेल वे। सो हर एक कंट्रीज, हर एक सिटीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे ये दे रहा है। ओके, सो ऐसे करके आप कुछ भी जेनरेट करा पाओगे। थर्ड, आप यूज कर सकते हो एज ए टीचर, कैन एआई बी मोर एडवांस टिल 2030। मैं आस्क किया ये क्वेश्चन और उसके बाद ये मुझे इसका आंसर प्रोवाइड कर रहा है कि क्या एआई इतना एडवांस हो जाएगा 2030 तक। ओके, सो ये सब पूरा एक्सप्लेन करके दे रहा है। आप कोई भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हो और ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। ओके, नेक्स्ट, कैन एआई टेक ओवर ह्यूमन जॉब इन फ्यूचर। सो ये देखिए जेनरेट करके मुझे दे रहा है। ओके, यहां आप कोई भी एडवाइस ले पाओगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ओके, सो एडवाइस लेने के लिए क्या करना है, कुछ भी ऐसा एडवाइस के लिए टाइप कर देना है, कैन यू सॉल्व दिस, कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि 2 1 - 1 + 1 21 - 1 + 1 = क्या होगा। उसके बाद ये मुझे
उसका आंसर प्रोवाइड कर रहा है, देख सकते हैं आप। सो 21 माइनस 1 20 हुआ, और फिर 21 प्लस 1 21 हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सॉल्व इट लॉग 2 एक्स माइनस 1। तो इसके बाद ये पूछ रहा है एक्स माइनस 1 मतलब क्या है। ओके सो मैं यहाँ दे दूंगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे 3। ओके आंसर, सो ये बोला यस, ये कंप्लीटली सॉल्व करके दे रहा है लॉग 2 एक्स माइनस 1। ओके एक्स इक्वल 9, ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्व करके दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम कुछ आस्क कर लेते हैं, आई वॉन्ट टू वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग एट 6 AM, ओके गिव मी सम एडवाइस। सो ये देखिए, ये मेरे लिए कुछ एडवाइस जनरेट करके दे रहा है जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ 6 AM पर उठने के लिए। ओके मॉर्निंग में उठना है तो ये रूटीन में फॉलो कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा कि मैं मॉर्निंग 6 AM पे उठ पाऊंगा। ओके नेक्स्ट है, हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस के लिए मैं इसको यूज कर पाऊंगा। हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस में यूज करने के लिए क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन कर लेना है, जैसे कि कैलकुलेट माय कैलोरी रिक्वायरमेंट। ओके आई एम ए बॉय एज 27 दे देता हूँ, फिर हाइट अराउंड 5 foot एंड 8 inch, नेक्स्ट एंड वेट अराउंड 56 kg, ठीक है, आई वॉन्ट टू गेन 10 kg, ठीक है, विथ इन 2 months, मुझे 2 महीने में 10 kg इंक्रीज करना है। सो ये क्या मुझे फॉलो करने के लिए दे रहा है, सो कैलोरीज इंक्रीज करना होगा वेट इंक्रीज करने के लिए, BMR, ओके ये कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल दे रहा है, एटलीस्ट 1000 calories का इंक्रीज करना होगा पर डे के हिसाब से, एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करना होगा। फिर मैं दे देता हूँ व्हाट शुड आई ईट टू गेन मोर कैलोरीज। ओके सो ये देखिए कुछ फूड के आइटम्स दे रहा है जिसको मैं फॉलो करके अपना कैलोरीज को इंक्रीज कर सकता हूँ। सो ये फूड आइटम्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा मुझे अपना कैलोरीज को इंक्रीज करने में। ओके सो एग है, आमलेट है, आमलेट बना के खा सकता हूँ या फिर कुछ भी बटर खा सकता हूँ। कैन यू राइट डाउन ए मेन्यू फॉर 500 to 1000 calories डेली। सो देखता हूँ ये मुझे देता है या नहीं। सो ये मेरे लिए एक मेन्यू दे रहा है, रिजनरेट करता हूँ तो फिर देख सकते हैं, ये कुछ मेन्यू का लिस्ट दे रहा है जिसको मैं फॉलो कर सकता हूँ अपने कैलोरीज को इंक्रीज करने में। ओके मॉर्निंग इवनिंग सब टाइप के फूड आइटम्स का लिस्ट है जिसको मैं फॉलो करके अपना कैलोरीज को इजीली इंक्रीज कर पाऊंगा। ओके सो ये एडवांस फीचर को यूज करके आप अपना कोई भी पर्पस को, कोई भी वर्क को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है, हिडन फीचर्स है जो कि आप यूज में ले सकते हो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।